हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। जैसा कि आप सभी ने अभी तक इतने चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, और लेखपाल मैथ्स आपका चल रहा है 25/25 बैच। देखिए, एक बात मैं बता दूं, 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं, कृपया करके आप नोट करिए, उसका एक नोटबुक बनाइए और कृपया करके इसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आज एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3 है, ठीक है ना, पार्ट 3 जहां से मैंने खत्म किया था उसके आगे क्वेश्चन में शुरू कर रहा हूं, और बहुत ही जल्द मैं आप सभी के लिए एक लाइव सेशन लेने वाला हूं, ठीक है ना। उसमें केवल वही मेंबर ऑनलाइन आ सकते हैं, मतलब मुझे ज्वाइन कर पाएंगे जिन्होंने क्या किया हुआ है, मेंबरशिप लिया हुआ है, मतलब केवल आप सभी लोगों के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं, अभी टोटल कितने मेंबर हैं, 52 मेंबर हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों से भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बैच ऐसा है कि आपको मैथ में 25 में से 25 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे आपको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 99, 147 एवं 1011 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी शेष प्राप्त होता है, ठीक है ना, वह सबसे बड़ी संख्या हमको निकालनी है। इसका मतलब हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अच्छा, इसका मतलब है मान लेते हैं कि वो संख्या एक्स है। अब x से हम 99 को अगर हम भाग दें, ठीक है ना, तो क्या होगा हमारा, मान लेते हैं एक बार में गया तो हमारा 3 क्या होता है, शेष प्राप्त होता है। क्या? शेष प्राप्त होता है। तो अगर हम 99 में से वो 3 घटा दें, मतलब कितना हो जाएगा, 96। तो इसका मतलब है, अब अगर हम उस संख्या से जो हमारा एचसीएफ है उससे भाग देंगे 96 को, तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से 147 में से 3 घटा लीजिए, आपका कितना हो गया, 144। 1011 में से आप 3 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 1008। तीन संख्याएं हो गई। अब देखिए, तीन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो संख्याएं आपके पास क्या है, 96, 144 और 1008। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए, एचसीएफ निकालने का बहुत अच्छा और शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। देखिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आपका ये तीनों डिवाइड हो रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है? तो ये हमें दिख रहा है 12 से, ठीक है ना, कितना, 12 से, ठीक है। 12 8 96, और ये 12 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके, 12 8 96 और 12 4 48, ठीक है। अब देखिए, आपका 8 12 और 84, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएगा, ये तीनों? तो 4 से दिख रहा है, 4 2 8, 4 3 12, और 4 2 8, और 4 1 4। अब आपको ऐसा कोई नंबर दिख रहा है क्या जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए? ऐसा कोई भी नंबर बताइए जिससे 2 और 3 21 एक साथ डिवाइड हो। तो अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 12 गुणे 4, ठीक है ना। 12 चौक कितना होता है, 48। कितना हो गया, 48 आपका आंसर हो गया। बात समझ आई? अगर आ गई तो देखिए, जितने लोग आप लोग देख रहे हो, केवल 52 लोग हो आप लोग, और ये केवल नहीं, ये जो 52 लोग हैं, आज अपने आप को ये बता रहा हूं कि अब भीड़ से बिल्कुल अलग समझिए, भीड़ से अलग समझिए मेरे दोस्तों। 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा, आप केवल लगातार मेहनत करते रहिए लेखपाल के लिए, ठीक है ना, लेखपाल के लिए। क्योंकि बहुत से लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, लोग अभी क्या कर रहे हैं, लोग अभी शॉर्टलिस्टिंग का वेट कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट होंगे, ये होंगे, वो होंगे। आप मेहनत करते रहिए, उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। बस दोस्तों, यही सफलता का राज होता है। दूसरा देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 177, 247 एवं 772 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। शेष प्राप्त तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, समान होता है, मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल रिमाइंडर प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, नंबर पहले मैं लिख लेता हूं, 177, 247 एंड 772, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, 247 में से 177 को आप क्या करिए, घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, 70 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें से इसको घटाइए, अब इसमें से इसको घटाइए, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, 772 में से, 772 में से, सॉरी सॉरी,
247 को घटाना है आपको, ठीक है, तो ये कितना हो गया 247, इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 525, ठीक है। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा ये वाला, इसमें से घटा दिया, इसको इसमें से घटा दिया, अब ये जो 772 है उसको पहले वाले से घटाएंगे, तो 772 और 177, तो अब आपका कितना बचेगा यहाँ पे 595। अब आपके पास तीन संख्याएं आ गई, अब आपको केवल 70, 525 और 595। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, TYPE इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब आप पढ़ के जाएंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इनका SF निकालना है, तो अब आप बताइए ये तीनों नंबर ऐसा कौन सा किस नंबर से डिवाइड होंगे। तो देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले 70 है तो हमें दिख रहा है कि ये, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, 35 दूनी 70, ठीक है, 2 से कट गया। अब 525, 525 35 से जाएगा क्या, एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई यहाँ पे, तो 35 से कम 35 हो गया, और 7 12 में से 5 गया, 7 5 12, 7 और 5, और 35 25, 35 दूनी 70, 35 35 25, ठीक है, 55 25 का 5, 5 15 और 2, 5 15 2 17, ठीक है, कितना हो रहा है, और यहाँ पे 1 भी आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 175, तो ये 15 बार में गया, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब 595, तो एक बार 595 को करके देख लेते हैं, और क्या, ठीक है, 35 से करके देख लेते हैं, तो 35 डिवाइड करना है, सॉरी क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। चलिए तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा आपका 35 से कम 35, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, और ये हो गया 5, ठीक है। अब 35 से कितनी बार में जाएगा, एक बार गुणा करके देख लेते हैं, तो 5 बार में गया था तो 175 था, अब आगे देख लेते हैं, तो 35 आठ पंच 40 हो जाएगा, और 9 9 5 45, तो 9 से करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपका, 5 9 45 का 5, 80 लगा 4, 9 3 27, 27 और 4 कितना हो गया, ये तो ज्यादा हो गया आपका, 31 हो गया, ठीक है ना। अब आप कितने से करके देख लीजिए, अब आप 35 और 7 का करके देख लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको 5 चाहिए, तो 7 5 35 और 7 3 21 और 3 24, ठीक है, तो कितनी बार में हो गया, 17। अब आप देखिए 2 और 15 और 17, क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें ये तीनों एक साथ हैं, नहीं, तो आपका SCF कितना हो गया, आपका SCF हो गया 35, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस SCF निकालने में थोड़ा टाइम लगा और कहीं कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप देखिए, अब आपको आगे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे SCF एवं LCM एवं HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, नोट करिए इसको, क्या करिए, नोट करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमेशा SCF का प्रयोग होगा यदि, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकतम लंबाई का स्केल बनाना है, अधिकतम आयतन का बर्तन लेना हो, अधिकतम मूल्य निकालना हो, अधिकतम संख्याओं की अधिकतम सदस्यों की संख्या निकालनी हो, ऐसे सभी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, SCF निकालना होता है। बात समझ में आ गई, चलिए अब क्वेश्चन क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी के पास 3 ड्रम में दूध भरा हुआ है जिसकी क्षमता क्रमशः 304 लीटर, 1140 लीटर, 570 लीटर है, जिसमें पूर्णतया मात्रक के लिए अधिक से अधिक कितनी क्षमता वाला बर्तन का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको इस लाइन से पहचान लेना है आपको क्या निकालना है, आपको SCF निकालना है, ठीक है। तो आपको SCF किसका निकालना है, 304, 1140 और 570, ठीक है। तो SCF निकालने का भाग विधि आप सभी को पता ही है, ठीक है, हम उसी से निकालेंगे क्योंकि नंबर आपके क्या है, बड़े बड़े हैं, ठीक है। देखिए यहां पे अब यहां पे आप क्या करेंगे, 304 से 570 को भाग देंगे, ये 1140 सबसे बड़ा है ना, इसलिए इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो एक बार में गया 304, यहां पे कितना हो गया, 6 हो गया, और यहां पे कितना हो गया, 6 हो गया, और यहां पे आपका 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, 304 को 304 को भाग करेंगे इससे, तो एक बार में जाएगा तो कितना हो गया, 266, 14 में से 6 गया 8, 9 में से इधर कितना हो गया, 9 में से 6 गया 3,
अब फिर हम 266 को भाग करेंगे 38 से, तो कितनी बार में जाएगा? 38 से 8 6 48, 7 8 56। देखिए लास्ट में 6 है इसलिए मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 8 56 और 5, 7 3 21 और 5 26, तो 266 आपका पूरा कट गया। तो ये आपका आया 38। ठीक है, अभी आपके पास 1140 बचा हुआ है। ठीक है, अब ये आप 38 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए तो आपका क्या होगा। 38 से कितनी बार में जाएगा? 38 दूना 38, 8 3 24 का 4, 3 3 का 9, तो 11, तो 3 बार में गया। ठीक है, कट गया और ये 0 आ गया। तो 38 आपका क्या आ गया? आपका SCF आ गया 38, 38 लीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। और कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको इतना ही समझना है जितना मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, एक कपड़ा व्यापारी के पास तीन कपड़े का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 84 मीटर, 112 मीटर और 184 मीटर है, जिसे पूर्णतः नापने के लिए अधिक से अधिक लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसको भी आपको निकालना होगा। SCF किसका? 84 का, 112 का और 184 का। जब आप इसका SCF निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर आना चाहिए 4। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आपको पता ही है कि मैं बीच में कभी भी आप सभी को होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या, अब यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि आपको LCM निकालना होगा, कौन सी है जिसमें 4 5 6 7 4 5 6 8 एवं 9 से भाग देने पर क्रम स्थिति में प्रत्येक स्थिति में एक शेष प्राप्त होता है। ठीक है ना, आपको कितना शेष प्राप्त होता है? एक शेष प्राप्त होता है, जबकि 7 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसके पहले भी कराया था जहां पे था 11 से भाग देने पर। ठीक है ना, तो देखिए आपके पास नंबर है 4 5 6 8 9, ये नंबर है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, 4 8 जो है 4 से डिवाइड हो गया, तो इसको हटा लो। तो आपको LCM निकालना है 5 6 8 और 9 का। ठीक है, इसका LCM अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देख लो, 3 5 3 2 6 8 3 3 9। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो 2 से कटेगा, 5 2 1 2, 2 4 को 8 और 3। ठीक है, आगे और देख लें तो और किससे कटेगा? अब भाई 4 से कट जाएगा, 5 1 4 और ये 3। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, सॉरी 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6, 5 3 15, 15 चौक 60, 6 गुणे 60 मतलब 360 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन को, अब समझिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो छोटी से छोटी वह संख्या हमें बतानी है, तो संख्या हमारा क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या जो है 360, अगर केवल बात को समझिएगा, केवल पूछता, ठीक है, कि एक शेष बचता है, एक शेष बचता है, तो हम क्या करते, आंसर दे देते, कितना हो जाता है 361। लेकिन अब अगले आगे क्वेश्चन क्या कह दिया कि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड करने पे 0 शेष बचता है, कितना, 7 बोला है ना, देखिए 7 से डिवाइड करने पे 0 शेष बचता है। अब इसलिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपको संख्या लेनी है, ये जो 360 है इसके साथ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा +1। अब आपकी संख्या क्या होगी, 360x+1, क्योंकि अब 7 से भाग देने पर क्या होगा, भाग देने पर शेष आपका 0 बचना चाहिए, शेष क्या बचना चाहिए, 0। तो अब देखिए 360 को आप क्या करो, 7 से भाग करो, 7 5 35, 1 और 0 और 7 1 7, कितना आया, 3 आपका शेषफल आया, तो 3x+1। अब यहां पे x बराबर ऐसी वैल्यू रख दो, ठीक है, कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, तो 3 × 2 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 7 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 शेषफल आएगा, क्या आएगा, 0 शेषफल। ठीक है ना, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आपके पास संख्या क्या हो जाएगा, संख्या जो अब आपको मेन संख्या निकालनी थी, ठीक है, वो कितना हो गया, 360 × 2 + 1, 0 6 2 12 2, 3 2 6 और 1 7 + 1
721 आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है ये देखिए, यदि पुनः रिपीट होने का समय निकालना हो तो, मतलब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो यहां पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, समय बराबर समय अंतराल का एलसीएम। हमें क्या करना होगा, समय अंतराल जो दिया होगा बस उसका एलसीएम निकालना है। देखिए 4 घंटियां क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड एवं 72 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः कितने समय बाद बजेगी? तो आपको एलसीएम निकालना है 30 का, 45 का, 60 का और 72 का। ठीक है, तो ये देखिए 30 दूनी कितना हो गया आपका, 60 हो गया, तो इसको हटा दीजिए और तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, 45, 60 और 72 का एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम जो देखिए मैं ऊपर कर रहा हूं ना, हो नहीं रहा है वो, फिर अभी एकदम से हो जाएगा। ठीक है थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। तो अब एलसीएम देखिए उतना ऊपर चला गया, देखें ठीक है ना। तो अब देखिए 45, 60 और 72 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5, 9, 45 और ये आपका हो गया 12, 25, 60 और ये आपका हो गया 72। 72 तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब ये आपका किससे कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौक 12 और ये 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12 24 हो गया। अभी फिर 3 से कटेगा, 3 1 3, 4 और 3 8 3 24, ठीक है। अभी ये 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, फिर आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। ठीक है तो एलसीएम कितना हो गया, 5 3 15 और 15 3 45, 45 और 4 2 8, गुणा कर लीजिए, 8 5 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 6 32 और 4 36, 360। कितना एलसीएम आ गया, 360 सेकेंड, यही तो आया। अब इसको हम क्या कर दें, 360 सेकेंड को 60 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 6 मिनट आ गया। क्या आ गया, 6 मिनट आ गया और यही आपका राइट आंसर हो गया कि 6 मिनट बाद एक साथ बजेगी। ओके चलिए आगे। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन, 3 घंटियां क्रमशः 18 सेकंड, 24 सेकंड एवं 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 9 बजे सुबह एक साथ बजना आरंभ किया और दोपहर 1 बजे तक कुल कितनी बार एक साथ बजेगी, ठीक है ना। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसे किया जाएगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 3 घंटियां हैं तो अब आपको पता है कि ऐसी चीजों के लिए आपको क्या निकालना होगा, समय अंतराल जो है समय अंतराल का एलसीएम निकालना होगा। तो 18 24 और क्या हो गया 30, ठीक है बस इतना ही तो है, 18 24 30। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 हो गया, 24 हो गया और 30 हो गया। तो एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, ये आपका किससे कट जाएगा, 18 24 30, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 6 30, ठीक है। बाकी ये 6 3 4 5 ऐसे ही आ गया, तो एलसीएम आपका हो गया 6 × 3 × 4 × 5, ठीक है। तो 5 6 20, 20 3 60 और 360, ठीक है ना, 360 सेकेंड, ठीक है। को हम मिनट में चेंज कर लेंगे तो 360 बटे 60, ये कितना हो गया, 6 मिनट, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए एक बात, ठीक है, 9 10 11 12 1, 9 बजे पहली बार कितने बजे बजती है, 9 बजे बजती है, ठीक है ना। पहली बार कितने बजे बजी, 9 बजे बजी। फिर 10 कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। 10 से 11 कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। और 11 से 12 कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। और 12 से 1 कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। टोटल कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 घंटे, ठीक है। बात समझ में आई। अब आपको निकालना क्या है कि 9 बजे से एक साथ बजना आरंभ किया दोपहर 1 बजे तक कुल कितनी बार बजेंगी। तो आपको निकालना है रिपीटिशन, रिपीट, ठीक है, आपको यही निकालना है ना, रिपीटेशन निकालना है। तो की संख्या कितनी बार बजी, ठीक
ठीक है ना। तो कितने घंटे हो गए आपके पास? 4 घंटे हो गए। अच्छा, 1 घंटे में कितनी बार बजेगा? तो 1 घंटे में कितनी बार बजेगा भाई? 1 घंटे में आपका ये जो आपने एलसीएम निकालना, कितना, 60 मिनट होता है। 60 को हम ऐसे डिवाइड कर दें तो कितना हो गया, 10 बार बजेगा। ठीक है, तो यहां पे 60/6 कर लीजिए, मतलब 4, 9 से लेके 1 बजे तक आपका 4 घंटा। और 1 घंटे में कितनी बार बजेगा? तो या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 4 × 10, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 4 × 60/6। तो ये कट गया, तो वही 10 आ गया, कितना हो गया, 40 हो गया। तो आंसर आपको 40 भी मिलेगा, 41 भी मिलेगा। और आप अगर अगर 40 को टिक कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी आप एक बार जोड़ेंगे, 40 और 1 जोड़ेंगे, क्यों, 41, क्योंकि ये आपने निकाला इनके बीच का, 9 से 1 के बीच का। और जो 9 बजे बचा, जो 9 बजे, देखिए क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं 5 से लेके 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। कितनी संख्याएं हैं 5 से लेके 10? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। लेकिन अगर ये 5 जो आपने छोड़ दिया है वो भी तो है, तो ये क्या हो गया, मतलब टोटल 6। यार बात समझ, जो समझा रहे हैं, ठीक है। तो 9 से ले, 9 वाला जो पहले 9 बजे जब शुरुआत हुई तो वहां पे 1 7 बजी थी ना, 9 बजे 1 7 बजी थी, उसको काउंट करने के लिए 1 जोड़ा जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। खिसक जा मेरे भैया, बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ ठीक है ना, आगे, अगला क्वेश्चन। बहुत ज्यादा आगे चले गए क्या? इसको सही करेंगे यार, कंप्यूटर को सही। ओहो, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी अपने आप ठीक हो जाएगा। कहाँ गया, खिसक नहीं रहा। क्या हो गया यार, ये हिल नहीं रहा है बच्चों। इतना टाइम लगाया, ठीक है, देखिए मैंने छोड़ दिया था तो अपने आप ठीक हो गया ना। चलिए अब देखिए अगला टाइप जो है, एलसीएम एवं एचसीएफ के रिलेशन पर आधारित प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। ओके, एम इंटू एन बराबर क्या होता है? एलसीएम बटा एचसीएफ, जहां पे एम और एन जो है सअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवां। दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। एलसीएम दे रखा है 420 और एचसीएफ 28 है। यदि एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। अब आपको पता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है? 420 है, गुणे एचसीएफ कितना है? 28 है। और पहली संख्या कितनी है? 84 है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, निकाल नहीं लोगे क्या बच्चों? यहां से दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 420 × 28/84, ठीक है। अब यहां से हम इसको काट पीट सकते हैं, तो ये आपका कट जाएगा 4 से 4 2 8, 4 × 1 = 4, और 4 से ये भी कट गया, 7 × 4 = 28, और 7 × 3 = 21, और ये भी कट गया, 3 × 1 = 3, बचा 1 × 3 = 12, कितना आ गया, 140, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग आराम से। 10वां क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 24 गुना है, कितना है? दो संख्याओं का जो एलसीएम है एचसीएफ से 24 गुना है। देखिए मान लेते हैं दो संख्याएं कौन सी है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। इनका एलसीएम आया, तो जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना है? 24 गुना है, ठीक है।
तो हम इधर 24 का गुणा कर दिए, लेकिन अगर हम ये तो 24 गुना ऑलरेडी है ना, जो एलसीएम है एलसीएफ से 24 गुना ऑलरेडी है, तो हमें अगर दोनों को बराबर करना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें इधर 24 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया बच्चों? ठीक है, एलसीएम तो ऑलरेडी पहले से ही 24 गुना है, ठीक है ना, तो एचसीएफ को 24 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि एलसीएम एवं एचसीएफ का योग जो है 600 हो, एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो योग है वो कितना है, 600 है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, योग 600 हो तथा एक संख्या 72 हो। ठीक है, अब हमें एक संख्या भी पता चल गई है, एक संख्या क्या है, 72 है, तो पहली संख्या क्या है, 72, तो दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, इतनी चीजें दे रखी हैं, अब क्या हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, चलिए देखते हैं निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, अब इसके लिए आपको पता है यहां पे 24 गुना दे रखा है, आपका एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है ना, अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, अब आप जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एक्स हो जाएगा, एलसीएम 24x हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब इनका योग कह रहा था x प्लस 24x बराबर 600 है, तो यहां से 25x बराबर आपका क्या हो गया, 600। यहां से x बराबर अगर आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 बचा 10, 25 चौक 100, x बराबर कितना आया, 24। तो हमारी जो एचसीएफ है वो कितना है, 24 है, और एलसीएम है वो कितना होगा, 24 गुणे 24। ठीक है, अब 24 गुणे 24 अगर हम कर लें तो कितना हो जाएगा बच्चों, अभी रहने देते हैं ऐसे ही, गुणा करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है ना, चलिए यहां तक आपको पता चल गया और पहली संख्या आपको पता है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, संख्या क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो हमारा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आया, 24, एचसीएफ कितना आया, 24 गुणे 24। ठीक है, बटे पहली संख्या कितनी है, 72। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, 72। तो अब हम यहां से अगर इसको भाग करें तो देख लेते हैं कितना होगा आपका, काट पीट लो यार, 9 9 चौक 36, 9 3 27, 8 3 8 3 24, सॉरी 8 3 24 और 8 9 72। ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा, 8 3 24। ठीक है, कट जा भाई, ये मैंने रफ कर दिया यार दोस्तों, ये मैंने रफ कर दिया, 8 को मैंने रफ कर दिया है। ठीक है ना, अभी वो कटेगा अपना, अभी 3 से काट दिया, 3 3 का 9। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, 3 8 24, तो आपके पास बचा क्या, 24 गुड़े 8 बचा, यही तो बचा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 8 6 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 2 16 और 3 19, 192 आपका राइट आंसर हो गया। अब ये वाली बात किसको नहीं समझ में आई, एचसीएफ एक्स होगा तो एलसीएम 24x होगा, नहीं समझ में आई, चलिए देखते हैं ऊपर करते हैं, वही बात है, थोड़ा आराम से करते हैं। ठीक है ना, बुरा मान जा रहा है, आज कंप्यूटर स्लो चल रहा है दोस्तों। देखिए, हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, एचसीएफ बराबर योगफल बटे एन प्लस वन। ठीक है, अब आप कितना दे रखा है, 600 बटे एक आपको दे रखा था 24। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, 24 दे रखा था ना, एन बराबर 24, आपको दिखा दूं तभी तो समझ में आएगा। देखिए 24 गुना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 24 गुना है, तो वो एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, एन बराबर 24। ठीक है, चलिए तो 24 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 600 बटे 25 हो गया। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आपका आएगा, तो आपको एचसीएफ पता चल गया कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब आपसे एलसीएम कह रहा था, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 गुणे
24, ठीक है, यही तो मैंने ऊपर किया था। तो अब यहां से आपको, अब आप सब निकाल लोगे, दूसरी संख्या आपको बतानी थी, तो दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ 24, एलसीएम 24 गुणे 24 बटे पहली संख्या 72, ठीक है, यहां से आपने आंसर निकाल दिया। अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, एचसीएफ आपने निकाला कैसे, ये एक फॉर्मूला है, एचसीएफ बराबर योगफल बटा एन प्लस वन, एन मतलब जो गुना है, ठीक है। अब ऊपर आपको समझा देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अब ये मेरा सिस्टम भी आज स्लो चल रहा है, मैं सही कर दूंगा इसको, डोंट वरी बच्चों, अब ऊपर नीचे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, एचसीएफ अगर 24 है, एचसीएफ अगर 24 है तो एलसीएम आपका 24 गुणे 24 क्यों हुआ, 24 गुणे 24, ठीक है, या फिर एचसीएफ में, सॉरी, एचसीएफ अगर एक्स लिया था तो एलसीएम 24 एक्स क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि आपका इक्वेशन में बोला कि जो आपका एचसीएफ, जो आपका एलसीएम है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 24 गुना है, क्या है 24 गुना, तो अगर एचसीएफ को मैंने मान लिया, एचसीएफ कितना है एक्स है, तो हमारा एलसीएम कितना होगा 24 एक्स होगा, बस बात खत्म, इतनी छोटी सी बात थी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, अदरवाइज कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक नए सिरे से इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आगे है, अगला टाइप जो है, यदि वृत्ताकार रास्ते पर चलता हो, अगला टाइप क्या है, यदि वृत्ताकार रास्ते पर चलना या चलता हो तो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज मेक नोटबुक इन गुड गुड हैंड राइटिंग, अच्छी राइटिंग में बनाइएगा, एंड रिवाइज प्रीवियस चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, पिछला चैप्टर रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन फ्रॉम बुक, किताब से क्वेश्चन लगाते रहिए, 100% यहाँ से मैथ पढ़ने के बाद आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करते होंगे, अपने दोस्तों को बैच ज्वाइन कराइए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये रहा अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगला टाइप जो है आपका क्या है, यदि वृत्ताकार रास्ते पर चलता हो तो पुनः उसी रास्ते में मिलने में लगा समय, आपसे क्या पूछा जाएगा, पुनः उसी रास्ते में मिलने में लगा समय, तो बराबर क्या होगा, एक चक्कर में लगा समय का जो एलसीएम है वो आपका आंसर होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब एबीसी एक वृत्ताकार रास्ते पर, एक वृत्ताकार रास्ता है, एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं, वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 10 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का समय लेता है, तो कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट, तो एक चक्कर लगाने में समय, जो समय लगेगा उसका एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर में लगा समय का एलसीएम, तो ये है 12, 10, 12, 15, इसका एलसीएम निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ठीक है, इसका एलसीएम 60 आएगा, ऐसे ही पता है, ठीक है ना, 60 आएगा, तो 60 मिनट कह लीजिए क्योंकि मिनट में है आंसर, 60 मिनट कह लीजिए या फिर 1 घंटा कह लीजिए, और क्या, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, मैंने बताया आप सभी को, खिसक नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है, ये आपका वृत्ताकार रास्ता है जिसकी लंबाई यहां से शुरू होती है और वापस यहीं पे खत्म होती है, 3 किलोमीटर है, ठीक है। एबीसी एक ही दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो पुनः उसी स्थान पर कितने बजे मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। पहले क्या बोला था कि पहले बोला एक वृत्ताकार रास्ता है और वहां पे मैंने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, और अब यहां क्या कह रहा है, यदि रास्ते की लंबाई और चाल दिया हो तो, यहां पे एक नोट करके लिखिए, ठीक है, नोट करके लिखिए,
यदि रास्ते की लंबाई और चाल दिया हुआ हो तो पुनः उसी स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर क्या होगा? परिधि बटा परिधि, या आप कह सकते हो या रास्ते की लंबाई, या रास्ते की लंबाई बटे आपका क्या हो जाएगा जो आपका चाल है, चाल का एससीएम। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि इसका ही एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, एलसीएम निकाल देंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है, कितना दे रखा है, 12, 20, 1 मिनट, कितना दिया था चाल, कितना दिया है 12, 20 और 24, ठीक है। तो बहुत ऊपर चला गया, एससीएफ निकाल लेते हैं 12, 20 और 24 का, ठीक है। इसका एससीएफ निकालेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, तो आप देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है, 12, 20 और 24 आपका एक नंबर बताइए जिसे डिवाइड हो रहा हो, तो 4 से, 4 3 12, 4 5 20, 4 7 24। अब कोई एक नंबर बताइए जिससे तीनों डिवाइड हो रहा हो, नहीं, तो आपका एससीएफ कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो अब आपका समय जो है वो कितना लगेगा, समय, ठीक है। आपका परिधि कितना था, 3 था, कितना था, 3 है, बटे में क्या हो गया आपका एसएफ 4 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 3 किलोमीटर, और ये क्या हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, ठीक है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो 3/4, और जो घंटा बचा उसको हम क्या लिख देंगे, 60 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। तो घंटा ये 60 हो गया आपका, तो ये आप इसको काट लो, तो ये 4 × 1 = 4 बचा, कितना, 4 × 5 = 20, और 15 × 3 = 45 मिनट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लो, यही सब क्वेश्चन आपको आने हैं। चलिए अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 40, 60, 75 से भाग देने पर क्रमशः 31, 51, 60 आपका शेष बचता है। तो देखिए 5 अंकों की बोल रहा है, ठीक है ना। तो 5 अंकों की छोटी संख्या कौन होगी, छोटी सी छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10,000 होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और 5 अंकों की अगर बड़ी बोल दे तो क्या होगा, 9, 9, 9, 9, 9, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, आपको छोटी सी मतलब है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 10,000। अब आपको दे रखा है 40, 60 और 75, ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, क्रमशः शेष कितना बचता है, 51, 31, 51 और 66, तो इसमें से 31 घटा लीजिए, कितना आएगा, 10 में से 1 = 9, 9 आएगा, ठीक है। इसमें से 51 घटा दीजिए तो 9 आएगा, और यहां से 66 घटा दीजिए तो 15 में से 6 = 9 आएगा। तो सब में आपने देखा क्या आ रहा है, जो हमारा अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, अंतर आपका क्या आया, समान आया। और जो आपका 40, 60 और 75 है, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 5 से काट लो, 5 और 40 और 12 × 5 = 60 और 15 × 5 = 75, ठीक है। और काट के देख लेते हैं, तो ये आपको 4 से कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, और ये हो गया 15। और काट के देख लेते हैं, तो 3 से काट लेते हैं, 3 × 3, 3 × 5 = 15। तो अब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं एलसीएम, ठीक है, 5 × 20, 20 × 3 = 60, 60 × और 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, तो कितना हो गया, 600 आपका एलसीएम हो गया, ठीक है, 600 एलसीएम हो गया। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई, थोड़ा सा ऊपर बढ़े, जगह नहीं बची ना, ठीक है। अब आप जो सबसे 5 अंकों की जो छोटी संख्या थी कितनी थी, 10,000 थी, ठीक है। 10,000 को 600 से भाग करिए, क्या करिए, 600 से भाग करिए, तो एक बार में जाएगा 600, क्योंकि दो बार में 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कितना बचेगा, 400 बचा, ठीक
ठीक है। अब देखिए पांच अंकों की, लिख लीजिए पांच अंकों की सबसे, अब मेरी हैंडराइटिंग खराब हो रही है क्योंकि शुरू शुरू में प्यार से लिख रहे थे ना, सबसे छोटी संख्या 10,000, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, 10,000। अब देखिए ये जो आपका 600 आया और ये 600 आपका एलसीएम आया, ठीक है, उसमें से आप ये जो शेषफल आया है, शेषफल उसको घटा दीजिए, तो 600 में से 400 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो 10,000 में 200 जोड़ दीजिए, और ये जो आपका अंतर आया था, 9 आपका अंतर आया था, उसको घटा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,200 - 9, इसको हम घटा देंगे तो 200, 10,191 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए इस तरह के क्वेश्चन, बस एक एक क्वेश्चन आपको लगा के प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, आएगा तो ऐसा ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब 8 से प्रारंभ हो और 6 पे खत्म हो, और कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, 8, तो 1 और 2 तो यही हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है ना। तो 8 से शुरू हो और 6 पे खत्म हो, ये आपकी बड़ी संख्या होनी चाहिए, और छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो 8 से शुरू हो और 6 पे खत्म हो, ठीक है ना। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, अगर हम बीच में 9, 9, 9, 9, 9 लिख दें तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी। भाई मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ इससे बड़ी लिख सकते हैं क्या, 8 से शुरू हो और 6 पे खत्म हो, तो बड़ी से बड़ी हमें बनाना हो तो क्या करेंगे, बीच में 9, 9, 9, 9 लिख देंगे, और छोटी से छोटी अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, जो 8 से शुरू हो रही हो 6 पे खत्म हो रही हो तो बीच में 0, 0 लिख देंगे। बस इनका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, आप घटाना, घटाना भी मैं बताऊंगा क्या बच्चों, 0, 9, 9, 9, 9, 9, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके, और प्लीज कमेंट जरूर किया करिए और लाइक करिए। देखिए कमेंट करने से और लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा, ठीक है ना, कौन किसने देखा, अटेंडेंस लगाओ यार, अब ये क्लास चल रही है, ठीक है ना, अटेंडेंस लगाओ, यस, ठीक है, यस सर बोल सकते हैं आप या प्रेजेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, जब भी आप देखें इसको जरूर अटेंडेंस जरूर लगाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।